चारों तरफ आसमान में देखिए बादल घिरा हुआ है, और अभी रियाद से जब आगे बढ़े थे तो बारिश हो रही थी हल्की हल्की, अभी भी यहाँ पे हल्की बारिश हो रही है, तो हवा भी अच्छी बेहतरीन हवा चल रही है, सुबह की ठंडी ठंडी हवा। और चारों तरफ रेगिस्तान है, रेगिस्तान के बीचों बीच से अपना गुजरते हुए हम लोग देखिए कब तक पहुँचते हैं मक्का। रास्ते में ताइफ, हो सकता है ताइफ में रुकेंगे, फिर उसके बाद जो है उसके बाद फिर मक्का के लिए निकलेंगे। तो देखिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है। यू टाइम और नो लिटिल बिट الحين وصلنا قريب نوصل مكة، باقي 7 ساعات ونوصل مكة، نوقف محطة آخر محطة بعدين دايرك مكة عمرة هوتيل بعدين مدينة بعدين جوا الخبر. You understand Hindi ولا ما في؟ No, I understand كل. ليه باري؟ सुबह के 7:20 हो रहे हैं और अभी फिर एक पेट्रोल पंप है यहाँ पे, देखिए ये रेगिस्तान के बीच में, तो यहीं पे फिर रुके हुए हैं। यहाँ से मक्का करीब 500 किलोमीटर के आसपास और है, तो ताइफ होते हुए जो है हम लोग मक्का जाएंगे, देखेंगे ताइफ में भी रुकेंगे फिर वहाँ से मक्का। और सुबह में बारिश हुई है जिसकी वजह से जो है मौसम जो है काफ़ी अच्छा हो गया है, गर्मी जो है वो ख़त्म हो गई है, और उसके अलावा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वेदर बहुत ही बेहतरीन है। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद जो है फिर हम लोग आगे की तरफ जो है अपना सफ़र जो है वो जारी कर दिए, और मौसम जो है काफ़ी बेहतरीन हो गया था जिसकी वजह से जो है रास्ता जो है काफ़ी आसान हो गया। यानी कहने का मकसद यह है कि ज़्यादा जो है वो धूप नहीं था, गर्मी ज़्यादा नहीं थी, और काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जिसकी वजह से जो है काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ जो है सऊदी अरब में रोड देखी, काफ़ी बेहतरीन रोड है, बहुत ही बेहतरीन रोड है, तो इस वजह से जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पर वो काफ़ी तेज़ चलती हैं, नॉर्मल जो है 150, 130, 140 की स्पीड में गाड़ियाँ चल रही थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में जो है ऊंट जो है नज़र आ रहा है। इसी तरह से रास्ते भर में काफ़ी जो है जगह जगह पर ऊंट जो है बहुत नज़र आ रहा था, और चारों तरफ रेगिस्तान का इलाका और बेहतरीन सड़क, बहुत ही अच्छा माहौल और रमज़ान का महीना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहाड़ियाँ जो हैं, ये देखिए दोनों तरफ पहाड़ियाँ और रास्ता जो है काफ़ी अच्छा। तो अब यहाँ पे हम लोग पेट्रोल पंप के पास में आए हुए हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। फुल बेंजीन बारेन 3 साआ बारेन मक्का बारेन उमर बारेन मदीना ये आ रहा आई डोंट नो 1000 ये देखिए पेट्रोल पंप है यहाँ का, और इसी पेट्रोल पंप पे अभी हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डलवाने के लिए अब फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बस हम लोग ताइफ पहुँचने वाले हैं, थोड़ी देर में ताइफ पहुँचेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी पेट्रोल पंप है, और यहाँ पे भी मस्जिद है, और यहाँ पे एहराम वगैरह मिल रहा है, जिन लोगों को एहराम जैसे नहीं लिए हैं तो वो रास्ते में ले सकते हैं ताइफ में या कहीं पर भी पेट्रोल पंप वगैरह पे। यहाँ पे देखिए ये एहराम जो है 20 रियाल, 25 रियाल, 35 रियाल, 30 रियाल का मतलब 35 रियाल, 40 रियाल, 50 रियाल, 60 रियाल जो से भी है वही मिल जाएगा आपको, सस्ते में मिल जाएगा, मक्का से सस्ता है इधर। तो ताइफ आगे में ताइफ आने वाला है, और ताइफ से पहले यहाँ पे है दुकान जी, तो ये बहुत सस्ता है आराम, इधर सस्ता है आराम बिल्कुल, तो इधर हम 2-3 रियाल मुनाफा देते हैं, दे देते हैं, वहाँ मक्का से ज़्यादा महंगा होता है जो। हर तरह का है यहाँ पे, देखिए ये बकूर और ऊद वगैरह जो है यहाँ पे मिल रहा है, अतर वगैरह जो है अलग अलग तरीके का, और इधर में देखिए रेगिस्तान है चारों तरफ आपको नज़र आ रहा होगा, और यहीं पे फिर अभी रुके हैं
बेचारी ये थक गए गाड़ी चला चला के। हम लोग करीब 1200-1300 किलोमीटर चल चुके होंगे, मे बी 1000-1100 किलोमीटर्स वी ऑलरेडी डन राइट। यस ओके। अभी हम लोग 200 किलोमीटर और है यहाँ से मक्का, फिर उसके बाद मक्का पहुँच के फिर देखते हैं हम लोग थोड़ा आराम करेंगे। ये देखिए यही ताइफ है, ताइफ हम पहुँचे हुए हैं और काफ़ी थकान हो गया हम लोग। क्या बोलेंगे सर, पहुँचने के बाद बोलेंगे रोज़ा लग गया अभी। यही हाँ ये मस्जिद है देखिए, यही ताइफ है और यहाँ पे हम लोग थोड़ा रुके हैं। यहाँ पे देखिए ये मस्जिद है, यहाँ पे यहीं पर फ्रेश होंगे और उसके बाद नमाज़ अदा करेंगे, फिर इसके बाद आगे जो है आगे का सफ़र जो है फिर इसके बाद यहाँ से तय करते हैं। कल रात में करीब 12-12:30 बजे के करीब हम लोग रात में यहाँ से चले अलखबर से, और अभी ताइफ पहुँचने में दोपहर हो गया। अब यहाँ से समझिए 1 घंटा और लगेगा मक्का आने में। You want something? Yes. Ihram? Yeah. Okay. Just if you want it. Okay. अरे इनके लिए एक एहराम लेना है, वो हम लोग रास्ते में नहीं लिए इसकी वजह से, आगे अंदर देखते हैं। तो ताइफ से हम लोग आगे निकल चुके हैं और दोनों तरफ पहाड़ियाँ, यहाँ से लेके मक्का तक समझिए आप पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ नज़र आएंगी, और रास्ता जो है वो घुमावदार है। तो अब समझिए कुछ ही देर में हम लोग जो है अब मक्का पहुँच जाएंगे। आगे से जो है एक रास्ता जद्दा की तरफ टर्न हो जाता है, तो जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनको मक्का में अलाउ नहीं रहता है जाना, तो वहाँ से उनको टर्न होना पड़ता है दूसरी तरफ। एक बड़ा चेक पोस्ट आएगा जहाँ पर इकामा, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होता है। ये मीना है, मीना। तो मक्का शहर में हम लोग दाखिल हो चुके हैं और ये मीना है। मीना होते हुए हम लोग जाएंगे मस्जिद आयशा, वहाँ पे एहराम पहनेंगे और फिर वापस से हम लोग जो है मक्का की जो सरहद है उसमें हम लोग फिर से दाखिल होंगे। पूरा देखो उधर पूरा हाजी लोगों के लिए बन, यहाँ पे हाजी लोग रहते हैं। हाजी लोग रहेंगे। इतना किधर से लगा है? हज 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 यार दिस वन, दिस इज हज मैन ऑल देयर। पहाड़ के उस पार सी रूम की कितनी वैल्यू रहेगी भाई इधर। टू बी कंटिन्यूड।